लो आ गए फिर सब राजी खुशी। तुम्हें क्या लगता था नहीं लौटेंगे? बिल्कुल गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी कि जब तक वर्दी पहनेंगे नहीं तब तक पढ़ना छोड़ेंगे नहीं। वो कहते हैं ना कि मत कर घमंड ए आसमां अपने इन बुलंदी सितारों पर, मत कर घमंड ए आसमां अपने इन बुलंदी सितारों पर, देखना तुझे भी तेरी औकात दिखाना है, एक दिन इन्हीं सितारों को तोड़कर अपने कंधों पर सजाना है। आज आपके लिए मैं दोस्तों एक गिफ्ट लेके आया हूँ, गिफ्ट समझो या वरदान समझो एक हिसाब का, जिस हिसाब से आप महत्वपूर्ण दिवस याद करते हो, रट्टा मारते हैं अधिकतर विद्यार्थी, रट्टा ही मारते हैं कि ये दिवस कब मनाया जाता है, ये दिवस, अच्छा ये दिवस ब्रेस दिवस कब मनाया जाता है, सब याद रट्टा मारते रहते हैं। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सीआरपीसी धारा याद करते हो आप, आईपीसीसी धारा याद करते हो, सेक्शंस के कौन से सेक्शन में क्या है, कौन से सेक्शन में क्या है, याद करने की जरूरत नहीं है। पुरस्कार याद करते हो, रट्टा मारते हो कौन सा पुरस्कार कब इसकी स्थापना हुई थी, कब शुरू किया गया था, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि भूलना ही भूल जाओगे, याद भी ना करोगे सारा कुछ याद भी होगा। जिस हिसाब से जैसे मैं निकाल रहा हूँ अभी आपके लिए दिखा रहा हूँ, जैसे माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो माउंट एवरेस्ट दिवस पता नहीं, लेकिन माउंट एवरेस्ट का इतना तो पता है कि माउंट एवरेस्ट है कहाँ, तो माउंट हर किसी को पता है, आपको नहीं पता होगा। आपसे पूछ लो वैलेंटाइन डे दिवस कब मनाया जाता है, तुरंत हर किसी के मन में कूद जाएगा 14 फरवरी। बस ये सभी याद है। और पूछ लो मदर्स डे कब मनाया जाता है, हवा टाइट हो गई। अच्छा लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, हवा टाइट हो गई। कहने का मतलब वो चीज़ हमें याद रहती है जो हम एक इमेजिन करते हैं, जो देखते हैं, वो चीज़ हमें हमेशा याद के लिए याद करती है। आप जाओ कहीं पे भी ट्रेवलिंग करने जाओ, कहीं की भी ट्रेवलिंग कर लो, आप जो जो वहाँ पे देखोगे वो सारा कुछ याद रहेगा तुम्हें। अगर हम कुछ पढ़ेंगे वहाँ पे तो वो कुछ याद ना रहने वाला है, क्योंकि हमने वो पढ़ा है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं गया। लेफ्ट ब्रेन एक राइट ब्रेन एक लेफ्ट ब्रेन, तो हम क्या करते हैं राइट ब्रेन में प्रेशर डालते रहते हैं, याद हो याद हो याद हो, लेकिन याद होता नहीं है। लेफ्ट ब्रेन हमारा फ्री आराम से बैठा रहता है, उस पर हम प्रेशर नहीं डालते, याद ही नहीं करते। तो बस ये है कि हमें एक राइट ब्रेन का यूज करना है, अच्छी से ठंडे दिमाग से बैठ के एक इमेजिनिंग करनी है, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, किसी फ्रेंड्स का ले लो, किसी को भी ले लो, उन सबसे हमें क्या होता है उन्हीं को कंबाइंड कर लो अपने उसमें जोड़ के, और हमें सारा कुछ याद हो जाएगा। जैसे एक दिवस आता है कि स्वयं सेवक दिवस कब मनाया जाता है, अच्छा स्वयं सेवक दिवस, स्वयं सेवक तो आलिया भट्ट जी आ गई, आलिया भट्ट, यानी कि 5 दिसंबर के लिए स्वयं सेवक दिवस मनाया जाता है कि स्वयं आलिया कौन है, आलिया भट्ट जो है वो स्वयं सेवक है, यानी कि खुद की रक्षा खुद करती है, वो स्वयं सेवक है। कैटरीना हो गई, काजल हो गई, एक्टर हो गए, जितने भी हो गए, अमिताभ बच्चन का अगर नाम ले दूँ तो मैं पूरा बायोडाटा एक से, यानी कि उसका चेहरा फेस, उसकी पत्नी बच्चे सारा कुछ याद रह जाएगा। और किसी अंग्रेज का नाम ले दो, लुईस ब्रेल कौन थे कुछ पता नहीं, कौन थे, अच्छा अक्षय कुमार कौन है, सारा को हुलिया, पूरा हुलिया दिमाग में आ गया होगा कि अक्षय कुमार कैसा है, बॉडी कैसी है, कपड़े कैसे पहनता है, फिल्में तक याद आ गई होंगी उसकी, कौन कौन सी फिल्में बनाता है वो। तो बस ऐसे ही है, कुछ देखते जाओ। जैसे माउंट एवरेस्ट दिवस मैंने बताया कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है दोस्तों, नेपाल में है। इतना याद रखना है कहाँ है, नेपाल में है। 295 यानी कि 29 मई के लिए क्या मनाया जाता है दोस्तों, नेपाल दिवस मनाया जाता है। ये हो गई। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो कैंसर क्या हुआ, रानी मुखर्जी के लिए कैंसर हो गया। बस इतना याद रखना है कि रानी मुखर्जी के लिए क्या हो गया, कैंसर हो गया। तो 4 फरवरी के लिए दोस्तों क्या मनाया जाता है, कैंसर दिवस मनाया जाता है। कुछ भी याद कर लो, बुजुर्ग होते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उनके साथ दुर्व्यवहार की जगह में क्या करना चाहिए, दिल लगी करनी चाहिए। बस कुछ नहीं, दिल लगी करनी चाहिए। 15 जून के लिए दोस्तों क्या मनाया जाता है, बुजुर्ग जो होते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो कुछ नहीं करना है, हमें थोड़ी इमेजिनिंग करनी है और अपनी आँखों को जमा के रखना है, पेन और नोटबुक अपने साथ रखनी है, और जो जो मैं बता रहा हूँ उसे आप फॉलो करते जाएं, सुनते जाएं और मेरे एक एक पॉइंट को याद करते जाएं। तो करना क्या है, कुछ कोड लिख रहा हूँ जिसमें आपके लिए मैं क्या क्या कराने वाला हूँ, जैसे इम्पोर्टेंट डेज हो गए जितने भी हैं,
भूलना भूल जाओगे कि ये कुछ होते भी है, पूरी लूसेंट एक्स वाई जेड कोई सा भी डे सही टोटल याद हो जाएंगे, टोटल चुटकी में सेकंडों में निकाल के दोगे। आईपीसी सेक्शंस कौन सी धारा में क्या है, सीआरपीसी कुछ भी सही, यानी कि एक से लेकर 100 तक क्यू, कोई सा भी क्यू कभी से पूछो तुरंत बताओगे, कोई टेंशन नहीं है। बस है कुछ जादू, काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो आई नहीं थी, तो वैसे तो मैं जीएस पढ़ाता हूँ। और कैलेंडर की बात करूँ दोस्तों मैं, तो हजारों साल का, हजारों साल 10,000 साल कभी तक का भी कैलेंडर 5 सेकंड लोगे, 5 सेकंड से ऊपर, अगर आप अच्छे पढ़ने में अच्छे हो तो 5 सेकंड से ऊपर टाइम लेने वाले, 5 सेकंडों के अंदर टाइम दिन बताओगे कौन सा इस तारीख के लिए डेट के लिए कौन सा दिन था। वैसे तो मैं जीएस पढ़ाता हूँ, लेकिन जीएस में ये इम्पोर्टेंट डे सीआरपीसी आईपीसी सार कुछ आते हैं, पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ। तो बस ये है कि इतने दिनों बाद मेरी वीडियो आई है, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के लिए कुछ खास गिफ्ट लेते जाऊँ। तो बस आइए देखते हैं गिफ्ट है क्या। तो आज चर्चा करेंगे दोस्तों इम्पोर्टेंट डेज के बारे में, इसमें नेशनल इंटरनेशनल टोटल वर्ल्ड सारे होंगे, जितने भी टोटल लूसेंट में जितने दिए हैं, और जितने भी गूगल पे सर्च मार के देख लेना, अगर एक भी दिन छूट जाए कि कौन से देश तारीख के लिए कौन सा दिन मनाया जाता है, कभी नहीं छूटोगे। याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद भी नहीं करोगे, मेमोरी एकदम फ्री रहेगी, स्पेस खाली रहेगा और सारा कुछ याद रहेगा। अब जैसे उसके लिए कुछ है, जैसे अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैं लिख रहा हूँ इनके अलावा इस पूरे संसार में कुछ है, बस यही चीज़ें तो याद ना होती हैं हमें, क्या 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, और क्या लुईस ब्रेल दिवस या फिर कैंसर दिवस हो गया, कैंसर दिवस रानी यानी कि 4 फरवरी हो गई, एड्स दिवस हो गया 1 दिसंबर हो गया, पर्यावरण दिवस हो गया 5 जून हो गया, कुछ नहीं बस यही तो है, यही हमें याद नहीं हो पाते, यही कन्फ्यूज होते हैं, ये तो याद नहीं हो पाते हमें, बस इन्हें ही तो याद करना है। तो बस क्या है, अब देखो करते क्या है, जादू ही है। बस इतना याद करना कि 1 का D याद मत करो, छोड़ो, मुझे देखो और जो मेरी एक्टिविटी है उसको देखो। 1 का 1 है लुक लाइक 1 T D T D हो गया। 2 अगर 2 एक ऐसे बनता है और 2 के लिए हम ऐसे भी तो लिखते हैं, इसको अगर 90 एंगल पे मोड़ दिया जाए ऐसे करके तो हो गया n, 2 का n हो गया, याद करने की ज़रूरत नहीं है। 3 का क्या कोड है पता नहीं, 3 हो गया, इसको 90 एंगल पे अगर घुमा दिया जाए तो हो गया क्या, हो गया m बन जाएगा, ये देखो क्या हो गया, लिखा तक 3 मैंने, इस तरफ से देखो मैंगो लिख गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 4 का देखो, बचपन में हम पढ़ते थे 1 का 2 का 3 का 4 का, तो उसमें क्या होता था, 4 जो लिखे जाते थे ऐसे लिखे जाते थे, यानी कि इस हिसाब से 4 लिखे जाते थे, तो 4 का R हो गया। 5 का क्या कोड है, पंजा, यानी कि पंजे में कितने हैं, 5 हैं, इस हिसाब से देखो ये हो गया पंजा, क्या हो गया L हो गया, 5 का कोड याद हो गया दोस्तों। इधर मत देखना, इधर कोई देखने की कोई ज़रूरत नहीं, जो मैं बता रहा हूँ बस उसी को फॉलो करते जाओ। 6 को कैसे लिखते हैं, ऐसे, अच्छा ऐसे कर दो तो जी हो गया, अगर इसी 6 को उल्टा लिख दो जे हो गया, और सी एच और एस एच ये एक दूसरे में कंपनसेशन है। 7 का कैसे बनता है, 7 का 1 बनता है, 1 बनाते तभी तो 7 बनता है, इसको ऐसे के बना दो 7, यानी कि उल्टा 7 बना दिया ऐसा, 7 हो गया, और इसका सी। अच्छा 8 के लिए क्या कोड है, 8 को रोमन डिजिट होती है उनमें कैसे लिखते हैं, 8 को इस हिसाब से लिखा जाता है, 8 को इस हिसाब से लिखा जाता है, इन दोनों डंडों को हटाओ
और यहाँ लिख दो वी और एफ, क्या हो गया 8 का कोड हो गया। 9 का कोड क्या हो गया, 9 को ये है 9, इसको अगर आईने में देखेंगे तो कैसा दिखेगा ऐसा, और उल्टा कर दो तो सॉरी ऐसा हो गया, तो ये 9 के कोड हो गए। यानी कि इनके अलावा जो भी वोवेल्स हैं, अदर कॉन्सोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे, उन्हें काट दिया जाएगा, उनसे कोई हमें काम नहीं है, लेना देना नहीं है, बस इन्हीं को हमें याद रखना है। याद करने की ज़रूरत क्या है, टी का 1 का टी डी हो गया, 2 के लिए 90 एंगल पर घुमा दो, 3 के लिए 90 एंगल पर घुमा दो, एम बन जाएगा, बचपन में 4 पढ़ते थे 4 आर हो गया, 5 पंजा 5 हो गया, 6 को उल्टा बना दो और जी बना दो, और सी एच और एस एच उसका कॉमन सिस्टम हो गया, 8 को रोमन डिजिट में लिखते थे उसको दो डंडों को हटा के एफ बना दो, वी एफ हो गया, 9 का आईने में देखो को पी हो गया, वी हो जाएगा। बस इतना याद करना है और इसे नोट कर लो जल्दी से जल्दी। दोस्तों ऐसा कोई नहीं पढ़ाता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार आप देखो, अगर ना आप अगर चुटकियों में अगर डेजों को बताओ, आई पी सी सेक्शन सी आर पी सी कुछ भी एक्स वाई जेड, चाहे इसका आप यूज यूपीएससी में कर सकते हो, इससे से कि आप आईएएस भी बन सकते हो, कलेक्टर भी कुछ भी बन सकते हो, और चाहे आप इनपुट एंड डेज याद करने में इसका यूज कर सकते हो, तो इसे आप जल्दी से जल्दी नोट कर लें। अब देखते हैं होता क्या है। अच्छा महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उनमें होता क्या है इम्पोर्टेंट, तो दोस्तों होता क्या है, जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उनमें एक डेट होती है यानी कि तारीख होती है और एक मंथ होता है, डेज और मंथ होते हैं, सन जो यानी कि ईयर्स होती है इनका कोई काम नहीं होता है। तो मैं जैसे कि डेट और मंथ हमेशा हमें ध्यान रखना है, डेट हमें 2 डिजिट में लेनी है और मंथ हमेशा हमें सिंगल डिजिट में लेना है, यानी कि डेट जो होगी वो 2 डिजिट में हो रहेगी और सिंगल जो मंथ रहेगा वो 1 डिजिट में रहेगा। कहने का मतलब जैसे कि मंथ का देखा जाए तो दूसरा महीना दूसरा हो गया, तीसरा महीने के लिए तीसरा, चौथे महीने के लिए चौथा, पाँचवें महीने के लिए पाँचवा, छठे के लिए छठा, 7 के लिए 7, 8 के लिए 8, 9 के लिए 9, 10 के लिए दोस्तों 10 नहीं 10 के लिए 0 यानी अक्टूबर, नवंबर 11वें महीने के लिए 1, 12वें महीने के लिए कुछ भी ना आए बस क्रॉस, यानी कि कुछ नहीं तो 12वां महीना, जैसे एड्स दिवस का मनाया जाता है, एड्स दिवस कोई बंदा अगर टाई पहने दिख जाए तो मान लें सर इसे एड्स है, कोई बंदा अगर आप जा रहे हो कहीं पे भी जा रहे हो अगर आपको टाई पहना हुआ कोई बंदा दिख जाए, कोई भी लड़का दिख जाए, कोई भी स्टूडेंट दिख जाए, कोई भी पीपल्स नहीं अगर आपके लिए दिख जाए कि मेन क्या है एक टाई पहना है, तो टाई पहना है तो सीधा दिमाग में अपने बैठा लो कि भाई इसे एड्स है, टाई पहने हैं तो इसे क्या है दोस्तों एड्स है, यानी कि 1 दिसंबर, 1 दिसंबर के लिए क्या मनाया जाता है दोस्तों एड्स मनाया जाता है, इधर क्रॉस है कुछ नहीं, दिसंबर 12वां महीना, अगर क्रॉस आए तो 12वां महीना, 1 आए तो नवंबर। अब जनवरी के लिए आप सोचोगे सर जनवरी के लिए, जनवरी के लिए मनाऊँ बताऊँगा अभी कोड, और 2 डिजिट आए तो उसके लिए वो डेट हो गई हमारी, बस इतना ध्यान रखना है, 2 के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, चौथे के लिए चौथा, जैसे क्रमवाइज है बस, 10वें के लिए 0, 11वें के लिए 1 और क्रॉस आए तो 12वां महीना। अब देखते हैं डेज, जैसे कि आपसे पूछा है कि माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है, जैसा कि मैंने बता दिया था कि माउंट एवरेस्ट आपको पता नहीं सर कहाँ है माउंट एवरेस्ट डे, पता नहीं कौन सा है, 14 फरवरी तो याद होगी लेकिन माउंट एवरेस्ट डे नहीं पता होगा, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ, इतना तो पता है कि कहाँ पे है तो कहाँ है नेपाल, बस इतना पता होना चाहिए नेपाल में, जितने बॉबल्स अदर कॉन्सोनेंट्स हैं उनको कट करना तो कोड है जो कोड रखना है, जैसे कि 2 का 1 सॉरी एन का 2, पी का 9, एल का 5, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो डेट्स रहेगी हमारी 2 डिजिट में रहेगी, मंथ हमारा सिंगल डिजिट में रहेगा, यहाँ से सिर्फ लाइनिंग मारनी है, तो क्या होगा 29 मई के लिए क्या होता है दोस्तों माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है। और भी डे हो गई जैसे कि पर्यावरण इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण में क्या होता है दोस्तों सब लोग क्या करते हैं वृक्षों को पानी देते हैं पेड़ पौधे लगाते हैं, पर्यावरण को यही तो होता है, तो कौन लगाते हैं लोग लगाते हैं, कट कर दो दोस्तों 5 हो गया 6 हो गया तो 5
जून के लिए क्या मनाया जाता है दोस्तों? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक अधिकतर पूछा जाता है कि जो मजदूर दिवस होता है कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस, या तो ऐसे याद रखो कि मजदूरों को हम लोग अपने दिल में रखते हैं, छोड़ो कि मजदूर बेचारे क्या खाते हैं, ज़्यादातर दलिया। क्या खाते हैं मजदूर बेचारे? दलिया। काटे, कट कर दो, कट कर दो, वन हो गया, फाइव हो गया। तो 1 मई के लिए दोस्तों क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये तो मैं सिर्फ आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में आए इसलिए। जिस हिसाब से मैं बताता हूँ ना, अगर वो चीज़ सीख गए ना आप, तो 1 सेकंड 2 सेकंड बहुत हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कोई भी वैकेंसी सही किसी ना वे किसी वैकेंसी कोई वैकेंसी नहीं छोड़ती है। इनसे हर वैकेंसी में एक ना एक, दो ना दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्यों हम वेस्ट करें? हम लोग रट्टा मारते रहते हैं, रटते रहते हैं, रट रट कर परेशान हो गए हैं, लेकिन याद नहीं होता। छोड़ो, नहीं याद होता है तो भूल जाओ, आज के बाद भूलोगे नहीं कभी। और भी दिवस हैं, जैसे कि आप लूसेंट की बुक ले लो, जैसे कि अभी मंगा रहा हूँ। सर लूसेंट की बुक लेके आना आप। तो सर अभी लूसेंट की बुक लेके आ रहा है, उनमें से आप सोच रहे होगे दोस्तों कि सर ने रट लिए हैं, बस वो ही हैं। अरे पूरी लूसेंट की बुक थोड़ी ना रट ली मैंने, जितना आया बस इतना ही थे। गूगल से आप पूछ लेना मेरे से, गूगल से निकाल के कौन सा देश कमाया जाता है, मैं बता दूंगा आपके लिए। जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना, आप चुटकियों में निकालोगे, चुटकियों में। देखो अभी सर आपसे, आप पूछोगे मेरे से, सर मैं अभी आपके लिए बताता हूँ। तो आप बताइए गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, गुलाब दिवस हुआ ये था दोस्तों, जो फरवरी का मंथ होता है वो वैलेंटाइन डे मंथ होता है। सब लड़का लड़के होते हैं, मज़े ले रहे होते हैं अपने। तो मैंने भी एक अपनी गर्लफ्रेंड बनाई थी थोड़ी देर पहले, एक रूबी बनाई थी। अब एक मैंने एक इमेजिनरी गर्लफ्रेंड बना ली, टीना। अब टीना डाबी को मत समझना भाई, उसकी तो पहुँच बहुत है, वो तो IAS है। तो टीना ने मुझे उस दिन क्या दिया दोस्तों? रोज़ दिया। क्या दिया? गुलाब। रोज मिस गुलाब होता है। तो टीना ने मुझे क्या दिया दोस्तों? गुलाब दिया। कट कर दो, कट कर दो, कट कर दो, काटना ही है, कटे तो करना है। वन हो गया, टू हो गया, टू हो गया, यानी कि 12 फरवरी के लिए दोस्तों गुलाब दिए मनाया जाता है। राइट आंसर 12 फरवरी है। और पूछिए सर। आप देखते हैं, टफ सा देख लेते हैं हम। ये विश्व टीवी दिवस। अच्छा, विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? कुछ नहीं, टीवी। टीवी तो आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ, सब लोग देखते हैं। टीवी में एक एक्टर है नायरा, नायरा अधिकतर बहुत एक्टर है जो सीरियल बनाती है। तो क्या हुआ, नायरा और उसकी कास्ट क्या है? माही, यानी कि उससे विराट महेंद्र धोनी से शादी हो गई है उसकी। तो वो क्या हो गई? माही से, जैसे महेंद्र धोनी थी माही, माही बोलते हैं, तो नायरा माही कौन है? टीवी एक्टर से। कट कर दो, अदर कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स कट करने हैं, और जो कोट्स हैं कोट्स रखने हैं। वन, इसे भी कट कर दो, इसे भी कट कर दो, इसे कर। तो N का 2, R का 4 और M का 3, यानी कि बीच से लाइनिंग। तो 24 मार्च के लिए दो टीवी दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च तो एक और पूछ लेते हैं, टफ सा है। आपसे जितना भी टफ हो उतना पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चुटकियों में निकलेगा सर आंसर। आप भी दोस्तों चुटकियों में आंसर निकालोगे, भूलना भूल जाओगे। ये बताइए विश्व नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, विश्व नागरिक दिवस, विश्व नागरिक दिवस, सॉरी, आपके पास ATM कार्ड है? मेरे पास भी ATM कार्ड है। हर लड़का आजकल जो पीढ़ी हमारी 4G है, यानी कि 5G जनरेशन है, यानी कि एजुकेटेड है, और जो भी कैशलेस होता जा रहा है, सारा कुछ डिजिटल हो रहा है। तो हर किसी के पास दोस्तों डेबिट कार्ड होता है। क्या होता है? डेबिट, डेबिट होता है हर किसी के पास। तो कुछ नहीं करना, कट करना, कट करना है, कट ही तो करना है, कुछ करना। 191, यानी कि 19 नवंबर के लिए दोस्तों विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे तो याद करनी योजना है। और एक और बता रहे, जैसे कि मैंने बताया था कि गर्लफ्रेंड है, जो मैंने बताया था आपके लिए कि मेरी गर्लफ्रेंड है रूबी, बताया था। तो उससे मैंने बहुत सारे चीज़ बना रखी है कि उसे क्या था,
कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थी, ये हमेशा आयोजन करती थी। और ये जब सर मेरे से पूछे थे दोस्तों के प्रेम ऐसा बताओ कि राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, भूल जाता था मैं क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। तो ये तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, इसके साथ भी रहता था मैं, हम दोनों ने साथ रहे हैं काफ़ी दिनों तक। अब तो इसकी शादी होने वाली है, छोड़ के चली गई बेचारी। तो मैंने साहब क्या करूँ, कुछ ना करूँ तो इसी का सहारा लूँ। तो मैंने सोचा राष्ट्रीय वन्यजीव कब तक याद रहूँगा, ये उसकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी थी, हमेशा उसका आयोजन करती थी। तो मैंने क्या किया, जो वन्यजीव दिवस था भी उसी के नाम पे घोषित कर दिया, कट कर दिया आर का 4, वी का 9, यानी कि दोस्तों जो राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस है 4 सितंबर के लिए बनाया जाता है। अच्छा, रूबी से फिर मैंने सोचा कुछ और भी यूज करना चाहिए। तो जब भी मैं गाना गाता था कि ये दिन, इतना बोलता था ये दिन, तो ये हमेशा बोलती थी महीने साल गुजर जाएंगे मेरे यार, मगर इतना रखना ख्याल कि जीना सिर्फ मेरे लिए। लेकिन मेरे लिए तो नहीं जी, लेकिन किसी और के साथ शादी कर रही है तो किसी और के लिए जी। तो क्या है कि महीना यानि कि मास और वर्ष, तो मास और वर्ष जो शब्द है वो इंडियन पिनल कोड यानि भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि कौन थी मेरी गर्लफ्रेंड, रूबी, तो रूबी से मैंने बना लिया। तो रूबी जैसे कि आर का सॉरी 4 लिखी देता हूँ, कट करना है 4 हो गया 9 हो गया। तो दोस्तों जो इंडियन पिनल कोड यानि कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा 49 है 49 था, उसमें वर्ष और मास शब्द का प्रयोग किया गया है, ये शब्द वहीं से लिया गया है। तो ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। और भी देखते हैं, जैसे दूर संचार दिवस की बात की जाए दोस्तों, दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है। तो दूर संचार क्या होता है दोस्तों, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है और एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, तो इनके बीच जो रेडिएशन से जो क्या होती है, बातें होती हैं। ये फ़ोन ले बैठा है, ये भी फ़ोन ले बैठा है, जो फ़ोनों पे बात करते हैं यानी कि टेलीकॉम होता है, तो रेडिएशन से बात होती है। तो दूर बैठ के जो हम संचार करते हैं, संचय करते हैं, तो वो क्या होता है दोस्तों, संचार होता है। दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो मेरा फ्रेंड था, इसकी गर्लफ्रेंड थी, तो ये हमेशा इससे बात करता था। जब भी मैं पूछा क्या करता है कि भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, जब भी मिलता था बातें करता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, काफ़ी दिन हो गए मुझे मिलानी, एक दिन अचानक से मिल गया। मैंने पूछा बेटे आप तू बात नहीं करता, क्या हो गया तुझे, कि क्या बताओ प्रेम यार, कि क्या हुआ कि मेरी गर्लफ्रेंड टकली हो गई यार, इस वजह से मैं उससे बात नहीं करता। मैं तो क्या हो गई, टकली हो गई, इसलिए मैं उससे दूर संचार नहीं करता यानी कि बात नहीं करता। तो टकली हो गई है इसलिए बात नहीं करता, कट कर दो 1 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, बीच से लाइन कर दो, यानी कि 17 मई के लिए दूर संचार दिवस मनाया जाता है। ये हो गया, ये तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन है ताकि आपको समझ में आ जाए। और आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे दोस्तों, उनमें ये सब बताया जाएगा कि किस हिसाब से तोड़ना है, किस हिसाब से कोड्स रखने हैं, किस हिसाब से इमेजिनिंग करनी है, क्योंकि हमेशा हमें वही चीज़ याद रहती है जो हम देखते हैं, ना देखी हुई चीज़। जैसे अभी मैं आपके लिए नाम ले दूँ आलिया भट्ट, सनी लियोन ले दूँ नाम तो और ज़्यादा लड्डू फूटने लगे होंगे माइंड में। अगर लुइस ब्रेल ले दूँ तो, हेनरी वेटन ले दूँ तो, पता नहीं कौन थे हेनरी वेटन, पता ही नहीं है कुछ। इनका नाम ले दिए तो सारा कुछ दिमाग में होलिए टाइप आ गया होगा, लेकिन ऐसा नाम ले दिए जो हमें पता ही नहीं है। तो हमेशा हमें वही चीज़ याद रहती है जो हमें देखते हैं, जिसके साथ हम रहते हैं, जो हमारी अधिकतर यानी कि पर्सनल रही हो, यानी कि कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट तो रहे हो। अगर एक्टरों के साथ कॉन्टैक्ट नहीं रहता है दोस्तों, कैमरा हो गया यानी कि मोबाइल फ़ोन हो गया, यूट्यूब हो गया, टीवी देखे, हमारे साथ कुछ तो कांटेक्ट रहता है इनका, तो हम जानते तो हैं ना। तो वही चीज़ हमें हमेशा हमारे माइंड में रहती है जो हम उसको देखते हैं, इमेजिनिंग करते हैं, उसका वार्तालाप कर सकते हैं। अच्छा, एक आधा है दोस्तों, अभी ऐसे याद आया कि मैं अपने दोस्त के ऊपर ही बताता हूँ कि विश्व परिवेश दिवस है कब मनाया जाता है। तो परिवेश दिवस है दोस्तों कब मनाया जाता है, अब परिवेश से प्रवेश बन रहा है, परिवेश कंपनसेशन है। तो क्या हुआ, हमने प्रवेश दिवस कब मनाया जाता है, मैंने परिवेश से प्रवेश बन गया। तो मैंने सोचा कि परिवेश जो है थोड़ा लेजी इंसान है, वो क्या है मुझे बताया, मैं उसके साथ रहा हूँ तो दोस्तों लेजी है, लेकिन है नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ कि वो लेजी है, थोड़ा सुस्तीला है, कम है। तो कैसा है दोस्तों, लेजी इंसान है वो, हकीकत में लेजी है। कट कर दो 5 हो गया, 0 हो गया,
तो जीरो को मैंने क्या बताया था दोस्तों, अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर के लिए दोस्तों परिवेश दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे ही कुछ नहीं करना, हमें तोड़ना है और अपने रिलेटेड में ही तोड़ना है ताकि हमें जो चीज़ हमें याद रहे। अच्छा, एक और मज़ेदार बात आते हैं जिसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो शहीद दिवस है उनका काम मनाया जाता है। तो भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु क्या थे, ये तीनों साथ साथ रहते थे, सभी को बताते थे। तो इनको एक लड़की से प्यार हो गया था तीनों को ही। अब वो जो लड़की थी उनका नाम था नेहा। देखो ये जो टॉपिक है ना, वो एक टॉपिक ही ऐसा है जो कि एक इंटरेस्टिंग मज़ेदार लगे। देखना तुम जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, वीडियो के लास्ट में आपको सारा कुछ याद रहेगा। अगर मैं आता सीधे सीधे हेलो हाँ दोस्तों मैं आपके लिए पढ़ाने जाता हूँ और इम्पोर्टेंस दे, तो इसमें आपको ये करना है, इसका कोड ये करना है, इसका कोड, कुछ याद नहीं रहता, गारंटी के साथ रह रहा हूँ, कुछ याद नहीं रहता। एक मिनट एक घंटे बाद सारा कुछ भूल जाते। अब जो मैं बता रहा हूँ इंटरेस्टिंग है, ये सब माइंड फ्री के साथ पढ़ाया जाता है और तभी याद रहता है, यानी कि फ्री होकर पढ़ो। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु कौन थे? वो एक लड़की से प्यार करते थे, नेहा। अब वो कौन थी? नेहा मैडम थी, यानी कि मैम थी उनकी। ऐसे यार, ऐसे दोस्त थे, उन्होंने क्या किया, अपनी मैम से ही प्यार करना चालू हो गए। तो कुछ नहीं, अदर्स कॉन्सोनेंस हैं, वॉवल्स हैं, कट कर दो, कट कर दो। एन का 2, एम का 3, एम का 3, बीच से लाइनिंग। यानी 23 मार्च के लिए क्या मनाया जाता है दोस्तों? शहीद भगत सिंह, सुखदेव और शहीद सॉरी राजगुरु का शहीद दिवस मनाया जाता। अच्छा, अब जो नेहा मैम थी वो कौन थी? वो राम मनोहर लोहिया जो थे उनकी बीवी थी। नेहा मैम जो थी वो किन की थी? राम मनोहर लोहिया की, राम मनोहर लोहिया की वाइफ थी। एक आता है कि राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाई जाती है, तो राम मनोहर लोहिया की बीवी कौन थी? सारी बातें झूठी हैं, सच्ची बात कभी याद नहीं रहती, सारी बातें झूठी, गलत, सब कुछ गलत। लेकिन आंसर, आंसर इतना डेंजरस होगा, बिल्कुल करेक्ट, कभी ज़िंदगी में गलत नहीं हो सकता, और लेकिन सारी बातें झूठी। तो राम मनोहर लोहिया की जो नेहा मैम थी वो वाइफ थी। तो नेहा मैम से बना दो एन का 2 और एच कट गया, एम का 3, एम का 3, यानी कि 23 मार्च के लिए राम मनोहर लोहिया की जयंती भी मनाई जाती है और 23 मार्च के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का शहीद दिवस भी मनाया जाता है। तो ऐसे मज़ेदार में ट्रिक्स में अपने कोडों में हमें तोड़ना है और बहुत सी चीज़ें हैं के लिए तोड़ना है दोस्तों। और हाँ, जैसे कि अनुच्छेद भी आते हैं, जैसे मूल अधिकारों का अल्पीकरण है दोस्तों, किस अनुच्छेद में आता है पता नहीं यार। अरे सिंपल सी बात है, किसी के मूल अधिकारों को आप ठेस पहुँचाओगे तो आपके पास दम होनी चाहिए, सरकार भी पहुँचाएगी, सरकार के पास भी बहुमत होता है, वो तब बहुमत के साथ सुप्रीम कोर्ट उसका साथ देता है, तब वो कहीं जाके मूल अधिकारों को ठेस, और वैसे भी कहीं मूल अधिकारों की ठेस नहीं पहुंचाई जाती, उनका अल्पीकरण नहीं किया जा सकता। तो अगर करना भी चाहते हो तो आपके पास एक दम होनी चाहिए, अगर आपके पास दम है तभी कर सकते हो। कट कर दो 1, 3, यानी कि आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों को अल्पीकरण दिया गया है। ये रही राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों, लारा दत्ता करती है, यानी कि 54। तो बहुत सी बातें ऐसी दोस्तों, अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके लिए मैं कैलेंडर भी बताऊंगा। कैलेंडर वैसे मेरा सब्जेक्ट नहीं है, उसके लिए हरकेश सर हमारे पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन काफ़ी दिनों बाद मैं जब वीडियो आ रही है मेरी, तो मैंने सुना कहीं ना कहीं अपने दोस्तों भाइयों बहनों के लिए क्या करूं, कुछ गिफ्ट लेके जाऊं ताकि उनको जो स्टडी कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। कैलेंडर पढ़ाऊंगा जिसमें हज़ारों वर्ष के दिन चुटकियों में निकालोगे, सेकंडों में निकालोगे, अनुच्छेद हो गए, टोटल अनुच्छेद चुटकियों में बताओगे, कभी याद नहीं रखोगे, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कहानियाँ याद होंगी, सारा कुछ याद होगा। CRPC हो गई, IPC सेक्शंस हो गए, क्यूब भी बताऊँगा, क्यूब आपके लिए इतना इफेक्ट डालेंगे, कहीं भी अगर आपसे पूछ लिया कि 13 का क्यूब कितना है, उसका क्यूब कितना है, इससे 12 का क्यूब कितना है, तो 12 का क्यूब करना, अगर 12 क्या है एक चीज़, 12 क्या है एक चीज़, दर्जन कहते हैं। अब कोई चीज़ अगर आपको दर्जन है, क्यूब की बात बता रहा हूँ दोस्तों, दर्जन तो कहाँ जाओगे, दुकान जाओगे नहीं जाओगे, किसी चीज़ को लेने के लिए अगर एक दर्जन में आपके लिए कोई चीज़ लेनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, दुकान जाना पड़ेगा। और इतना आप जानते हो कि 2 की अगर क्यूब निकाल दें तो उसका लास्ट डिजिट कितना होता है दोस्तों? 8 होता है।
रह गए तीन डिजिट डी के एन, डी का 1, के का 7, एन का 2, यानी कि दोस्तों 12 का जो क्यूब हो गया दोस्तों 1728 हो गया। अच्छा 13 का क्यूब कितना हो गया, 13 का क्यूब क्यूब भी बता दे रहा हूँ, वैसे मेरी ये टॉपिक नहीं है इसलिए धर्मवीर सर आए मैथ पढ़ा रहे हैं, वो उनसे आप पढ़ लेना क्यूब कैसे पढ़ाएंगे, लेकिन जब आए गए हैं तो इस टॉपिक को थोड़ा डिस्कस कर लेते। 13 हो गया, 13। अच्छा 13 जो 13वां दिन होता है बहुत लोगों के लिए मनोस होता है, इस दिन क्या होता है अधिकतर क्या होता है नेटवर्क ख़त्म हो जाता है। तो क्या ख़त्म होता है दोस्तों, नेटवर्क ख़त्म होता है, कुछ नहीं करना है। इसका जो 3 होता है दोस्तों, इसका लास्ट डिजिट क्या होता है दोस्तों, 7 होता है, सही है। कट कर दो, कट कर दो, एन का दोस्तों 2 हो गया, टी का दोस्तों 1 हो गया, पी का दोस्तों 9 हो गया, यानी कि 2197 दोस्तों क्या हो गया, 13 का क्यूब हो गया। कुछ नहीं, सिंपल है। 15 का क्यूब निकाल के देखो, अभी देखो 15 अगस्त में गया मैं, अधिकतर क्या है कि एक्ट्रेस ही होती हैं उनकी आवाज़ निकाल लेता हूँ, मिमिक्री कर लेता हूँ। तो मैं गया 15 अगस्त में, मेरे कॉलेज में ऑर्गेनाइजेशन था तो मैं भी चला गया वहीं पे गेस्ट ग्रुप में, तो मैंने क्या मिमिक्री करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या की दोस्तों मैंने मिमिक्री, अच्छा 5 की जो लास्ट डिजिट होती है दोस्तों 15 होती है, के का कट कर दो, के का 7 हो गया, 3 का एम का 3, 3 का 3, तो 3375 दोस्तों 15 का क्यूब हो गया। एक से लेके यहाँ तक की गारंटी दे रहा हूँ, एक से लेके 100 तक सेकंड हो, विद इन सेकंड आप क्यूब निकाल के दोगे। कुछ भी पीरियोडिक टेबल्स हो गई, एक्स वाई जेड हो गया, टोटल हाँ सब चीज़ सेकंडों में निकाल के दोगे। बस बने रहे हमारे चैनल द टाइम्स एजुकेशन पर, ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। मेहनत तो होती है लेकिन अपने दोस्तों भाइयों के लिए ऐसा लाना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर का बच्चा ही पढ़ेगा, गरीब भी पढ़ेगा, गरीब के लिए हम हैं उसके साथ, कोई टेंशन नहीं है। बस सब खुश रहें और अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टडी करते रहें, और हमें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्यार। और जैसे कि आज तो मैंने इम्पोर्टेंट डेज बताए गए, पुरस्कार से लेके आऊँगा कि कौन सा पुरस्कार का आयोजन कब हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी, सारा कुछ बताऊँगा दोस्तों। देखो वैसे तो मैं GS पढ़ाता हूँ, GS स्पेशल मेरा बैच आता है, अभी मैं लास्ट वीडियो रह गई थी उसमें मैंने क्या कहते हैं वो पढ़ाए थे, आश्रम पढ़ाए थे, विवाह पढ़ाए थे, संस्कार पढ़ाए थे। इसके बाद धर्मों के बारे में वीडियो लेके आऊँगा जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, सैव धर्म, जितने भी धर्मों को सारे धर्मों के बारे में बताऊँगा स्पेशल वीडियो अब मेरा जो GS का रहेगा। उसके बाद यानी कि कम से कम आपको ले जाके मुगल संतनी तक, यानी कि हड़प्पा सभ्यता फुल करा के ना, उसके बाद आपको मैं संविधान यानी कि पॉलिटी लेके आऊँगा। पॉलिटी के भी आपको कम से कम 20 लेक्चर्स अच्छे से कवर अप करा के, उसके बाद आपको जियोग्राफी, जैसे आपकी डिमांड होगी कि सर आप जियोग्राफी पहले लेके आइए, तो विद इन मैप्स यानी कि कोई भी टोटल इंडिया का मैप बना के कौन सी चीज़ कहाँ पे है कहाँ नहीं है सारा कुछ पढ़ाएंगे अच्छे से। बस आप हमें अपना प्यार बनाते रहें, बस मैं यही देख रहा हूँ दोस्तों कि पिछली वीडियो जो हमारे हैं आप थोड़ा कम प्यार दे रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें इसलिए, ताकि हम भी मेहनत कर रहे हैं और आपको ज़्यादा से बेहतर एक कंटेंट लेके आएं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो जल्दी से कवर अप हो जाए। वो कहते हैं ना कि रिस्क अगर उठाना है तो तगड़ा उठाओ, कठिन से कठिन रिस्क उठाओ, अगर सफल हो गए तो कैप्टन बनोगे, अगर विफल हो गए तो एक अच्छे सलाहकार बनोगे। पढ़ाई कभी दोस्तों व्यस्त नहीं जाती, बेस्ट कभी नहीं जाती, अगर अच्छा श्रोता जो होता है वही अंततः जाके एक अच्छा वक्ता बनता है। प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं हमारे, जब इनके जो यानी कि यंगेस्ट थे उस समय जो नेता थे, जब भाषण स्पीच देने आते थे तो बैठ के धरती में बैठकर इतने गौर से इतने अच्छे से भाषण सुनते थे कि एक एक भाषण अच्छे से सुनते थे, कहीं और दिमाग नहीं होता था। और आज भाई देखो, वो कहते हैं ना कि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है, आज देखो भारत के प्रधानमंत्री हैं और कितनी अच्छी स्पीच देते हैं, अपनी जो स्पीच है भाषण से ही जनता को अट्रैक्ट कर लेते हैं, इतना कुछ है। वो कहते हैं कि विद्यार्थी के अंदर 5 लक्षण होने चाहिए कि स्वनिद्रा बको ध्यानम कागचेष्टा अल्पहारी गृह त्याग,
तो विद्यार्थी चाहे पंच लक्षण भी, यानी कि स्वनिद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। हंसने की कोई बात नहीं है कि कुत्ते जैसी नींद होनी होनी चाहिए, कि अगर कुत्ता सो भी रहा है ना दोस्तों, तो कुत्ते के अगर पास से तुम निकल के भी जाओगे तो कुत्ता तुरंत उठ के देगा। हमें कुंभकर्ण की तरह नहीं सोने चाहिए, कुछ भी घर में हो रहा है और आप सो ही पड़े हैं, दिन रात आप सोए पड़े हैं। अल्पहारी कुत्ते सॉरी स्वनिद्रा बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए। अगर कभी देखना खेतों पे चले जाना, ताल हो ताल पे चले जाना, खेतों पे जाओगे ताल पे जाओगे, तो वहाँ अगर बगुला बैठा हुआ है, अगर बगुले का ध्यान मछली की तरफ है, तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, कितना भी शोर मचाना कुछ भी करना, अगर मजाल है कि बगुले का ध्यान मछली से हट जाए, तो अब जब भी कोई भी टीचर है, मैं सही धर्मवीर सही हमारे और भी सर हड़के सर कोई भी सर सही हिंदी की एक फैकल्टी और लेके आ रहे हैं हम, जो आपको एक अच्छे बेहतर के अच्छे तरीके से आपके लिए हिंदी कवरअप कराएगी। तो क्या है कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको अच्छे से पूरा ध्यान आपको वहीं पे होना चाहिए, गुरु की एक एक वाणी को सुनना चाहिए, उसकी एक एक आदर्श को फॉलो करना चाहिए। यह बगुले का ध्यान हो गया। स्वनिद्रा बको ध्यानम, काग चेष्टा कौए जैसी चेष्टा होनी चाहिए, कभी देखना। ये सब प्रैक्टिकली बातें हैं। खाना खाओ, काग हो कौआ हो तो क्या करना, थोड़ा सा टुकड़ा लेके ना ऐसे फेंकना, मजाल तो है दोस्तों, वो टुकड़ा अगर रोटी का नीचे गिर जाए तो, यानी कि यह है कि जब भी पढ़ने बैठो ना तो फुल कॉन्सनट्रेट खाना होना चाहिए, पढ़ाई पर होने चाहिए, इधर उधर के जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, फ़ोन है, क्या करते हैं दोस्त लड़के फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, थोड़ा देखा फ़ोन में एसएमएस आ गया, किसका, गर्लफ्रेंड का है क्या, दोस्त का है, डिस्ट्रैक्ट है, कुछ नहीं, फ़ोन अब इधर उधर कर दो, सारा स्विच ऑफ करके अलग बैठ गया। पढ़ने सिर्फ पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ाई भी ध्यान दो, इधर उधर छोड़ दो। कागजिष्ट अल्पहारी गृह त्यागी, कम खाना खाओ शाम के टाइम, ताकि आप रात भर अच्छे से पढ़ सको। और जो गृह त्यागी लड़का होगा भाई अच्छे से पढ़ता है, जिसको मोह होता है, अपने बच्चों से मोह होता है, घर वालों से मोह होता है, वो कभी कुछ नहीं कर पाता। जो घर छोड़ता है वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बस यही है दोस्तों, लगे रहो। और हाँ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहो, ताकि हम आपको अच्छे से कंटेंट लेके आएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए बताएंगे पुरस्कार के कौन से पुरस्कार की जो योजना थी, कब की कब शुरू किया गया था, और कैलेंडर्स भी बताएंगे, और आपके बाद फिर उसके बाद लेके आएंगे GS की सीरीज।